अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन आज हमारी टीम यानी है कोई जवाब की टीम खुसूसी तौर पर मौजूद है लाहौर में और यहां पे हम यहां के मसले मसाइल भी जानेंगे, पंजाब के मसले मसाइलों पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम हमेशा से बात करते हैं, सियासी टॉक शोज़ करते हैं, पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के साथ बात करते हैं, लेकिन हमें भी ये महसूस होता है कि कभी कभार ऐसा भी शायद होता है कि जो आम आवाम के मसाइल हैं वो नज़रअंदाज हो रहे होते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें, यकीनन कराची से इसके डायनेमिक्स डिफरेंट हैं। लाहौर सिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अपने मसले मसाइल हैं। यहाँ की जो ताजर बरादरी की अगर हम बात करें तो उसके भी यहाँ पे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं। फिर अगर हम एक दफ़ा फिर थोड़ा से कंपैरिजन में जाएं तो इस तरह जो कराची की सूरत हाल है, जिस शहर को हम छोड़कर आज लाहौर में बैठे हुए हैं यहाँ के मसले मसाइल पे बात करने के लिए, हमें ये भी पता है कि आज कराची में एक ताजर को एक दफ़ा फिर उसको गोलियों का निशाना बनाया गया, उसको मार दिया गया, उनका एक भाई ज़ख्मी है और इसके साथ साथ वहाँ पर कल ताजर बरादरान ने हड़ताल का ऐलान भी किया है। ये है कराची शहर जो कि रीढ़ की हड्डी है। लेकिन दूसरी जानेब अगर हम बात करें लाहौर की, पंजाब की, ऑल्दो कि ये वो कराची वाले क्रिमिनल एलिगेशन यहाँ पर सामने नहीं आते, लेकिन यहाँ की जो ताजर बरादरी है उसको जिस मुसीबत का, जिस तकलीफ का, जिस मसले का, जिस परेशानी का सबसे ज़्यादा सामना है, जो इनके कारोबार को हद से ज़्यादा मुतासर कर रही है, वो है यहाँ पर लोड शेडिंग। लोड शेडिंग यानी बिजली की लोड शेडिंग की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो गैस की लोड शेडिंग भी अब रोज़मर्रा की एक चीज़ बन चुकी है, लेकिन बहरहाल यहाँ की ताजर बरादरी इससे इंतहाई परेशान है, यहाँ के अवाम इससे इंतहाई परेशान है। ये तो आम आवाम और ताजर बरादरी की बात है, यहाँ की हुकूमत भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने ये भी देखा कि यहीं की हुकूमत के, यहीं के हुक्मरान इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। वो हुक्मरान एहतजाज कर रहे हैं फेडरल से यानी वफाक से यानी इस्लामाबाद से। सीएम हाउस का अपना जो कैंप है, एक कैंप ऑफिस सीएम ने अपना मीनार पाकिस्तान पर शिफ्ट किया हुआ है, वो भी एक प्रोटेस्ट है कि जी हमें जो 700 मेगावाट एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि पंजाब को हिस्से में आएगी या पंजाब को दी जाएगी, वो अभी तक नहीं दी जा रही। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लाहौर से आज हम मौजूद हैं, हमें कराची से भी जो ताजर बरादरान की जो भी पर्सनैलिटी है, दीप मीर साहब ऑल ताजर कराची इत्तेहाद के चेयरमैन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो शख्सियात हैं मैं उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं हॉल रोड मार्केट लाहौर के, मुस्लिम लीग नून के ताजर इत्तेहाद के विंग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर महमूद साहब। मोहम्मद अली मियाँ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के और इसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम पंजाब के ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में। फिर मेरे साथ हैं अशरफ भट्टी साहब जो कि प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भट्टी साहब। और जो एक और शख्सियत है उनसे तो अक्सर हम अपने प्रोग्राम में मिलते भी हैं, उनसे हम ज़रिए तौर पे भी हम बात करते हैं कि उसको क्या मुश्किलात हैं, इसके अलावा मुल्क की मईशत को इस वक्त क्या मुश्किलात हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम मुगल साहब, चेयरमैन है एग्री फोरम के। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम मुगल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नासी मैं बात स्टार्ट करूँगी मियाँ मोहम्मद अली मियाँ साहब से और उनसे जानूंगी कि यहाँ पे असल में ताजरों के मसाइल क्या हैं और किन परेशानियों का इस ताजर बरादरी को सामना करना पड़ रहा है जो कि मईशत पे डायरेक्टली असर अंदाज हो रही है। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें आवाज़ जो हमारी आवाज़ है आज लाइव प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में जा रही है। सबसे जो बड़ा मसला असल में तो चाहिए था कि पाकिस्तान का मसला क्या है, लेकिन शुक्र है आप कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए और सीएनबीसी के मशहूर हैं कि आज कम से कम जो पंजाब और लाहौर की आवाज़ है वो सब लोग सुनेंगे। जिस तरह के बहुत ही पिछले तकरीबन एक साल से जो शोर वगैरह बरपा है पूरे पंजाब में, जिसकी वजह से पंजाब की आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से तकरीबन 10 लाख जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। आपके अपने प्रोग्राम मैंने देखे, आपने फैसलाबाद में प्रोग्राम किया, गुजरावाला प्रोग्राम किया, और जो बहुत ही तशवीशनाक बात यह है कि एक ही बहरान जो कि सब बहराना की मदर है वो है बिजली का बहरान। और बिजली का बहरान जिस तरह के वज़ीर पंजाब साहब कई दफ़ा फरमा चुके हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर आके जो पिछले 2 माह पहले यहाँ पे जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एग्री कर चुके हैं कि जो भी लोड शेडिंग है, जो भी कमी है बिजली की, वो तमाम सूबों में इक्वल तकसीम की जाएगी। ये बहुत ही खौफनाक साजिश है कि बिजली के बहरान को आप एक टूल हम महसूस करते हैं, ताजर हम एक टूल महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम सियासी पार्टीज की जो आपसी लड़ाई है या जो आपसी उनकी रंजिशें हैं या आपसी एक दूसरे के साथ जो खिलाफत है उसका जो खमियाजा है वो आम आवाम या आप जैसे ताजर भुगत रहे हैं? नहीं, उसका नहीं, जिसका कसूरवार कौन है? असल बात यह है कि जो वफाकी गवर्नमेंट है जिसके पास के पूरी बिजली का कंट्रोल है,
जिसको पता है कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 6,300 बैकग्राउंड की कमी है, जिसको यह मालूम है कि हर सूबे में कितना शेयर जहाँ चाहिए, अगर वहाँ से ही बीज बोया जाता है एक नफरत का, या मैं कहूँगा एक तफरीक की जाती है अपने जो सूबों में तफरीक पैदा की जाती है, तो बात ये नहीं है। देखिए मसला तो ये है कि मैं फिर आपसे वही बात दोहराऊंगी, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। अतीक मीर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, जो कि कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अतीक मीर साहब, हम तो इस वक्त मौजूद है लाहौर में, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था वो लाहौर की ताजिर बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए था। इनके मसले मसाइल पर हमें बात करनी थी, लेकिन कराची छोड़ के हम लाहौर शहर आए हुए हैं और हमें ये पता चला कि कराची में हालात एक दफ़ा फिर ख़राब हो चुके हैं। हमने आपके साथ बारहा प्रोग्राम किए ताजिर बरादरी के साथ, हमारी कोशिश है कि उनकी आवाज़ को लबैक करें, उनके साथ खड़े हों, और आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हमने किए हैं। आज फिर कराची में वही सूरत हाल है, आपको कोई, हमें पता है हालात क्या हैं ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताएं आपके पास क्या वादे आए, क्या यकीन दहानियाँ आईं, क्या आपको कहा गया, कोई कन्फर्मेशन दी गई कि जी हालात कुछ सही हो जाएंगे, कोई हल बताया गया? देखिए आज से तकरीबन 4 रोज पहले जब मार्केटों में ताजरों की बराह रास्त कत्ल के वाकयात होना शुरू हुए, तो हमने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अब मामला एक्सटॉर्शन से भरकर ये टारगेट किलिंग तक आ गया है, और मार्केटों में माली तौर पर जो एक दबाव था ताजरों पे भत्ताखोरों के हाथों या वो किडनेपिंग फॉर रेंसम के हाथों, वो अब ताजरों की जान पे बात आ गई है। तो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि मार्केटों को तहफ्फुज देने के लिए हुकूमत हमें ये बताए कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन 72 घंटे में किसी एक अदना अफसर ने भी या हुकूमती एहलकार ने हमसे रास्ता नहीं किया। तो आज हमने एक टोकन स्ट्राइक का ऐलान किया, जो कल पूरी ताजिर बरादरी ने जिसकी हिमायत की है और जिसकी बहुत सी अंजुमनों ने और सियासी जमातों ने भी जिसको फेवर किया है। तो अब ये अच्छा, अतीक मीर साहब एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि मेरे साथ जो सब मौजूद हैं वो लाहौर की अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं। बाबर महमूद साहब, आप इनसे कोई इंटरेक्शन करेंगे? इससे पहले आपका हुआ है अतीक मीर साहब से कोई इंटरेक्शन? जो इन लोग की तकलीफ है, जो इन लोग का दुख है, उसमें आप कुछ कहेंगे या इनके साथ खड़े हैं आप? नहीं जी, इंशाल्लाह ताजर बरादरी के ऊपर क्या, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी के साथ भी मसला हो तो हमारा हक बनता करे होना, और ये तो खालसन हमारी ताजर बरादरी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन्हें उम्मीद दिलाता हूँ, इंशाल्लाह ताला हम कल ही लाहौर की ताजर बरादरी से मिलकर इनकी हमायत में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, हम भी इनके शाना बशाना चलते हुए हड़ताल में शामिल हों। एहतजाज जिस तरह का भी इनकी एहतजाज की काल होगी, हम लोग शामिल होने की कोशिश करेंगे। अतीक मीर साहब, आप सुन रहे हैं इनकी बात? हेलो जी, अतीक मीर साहब, ये बाबर महमूद साहब हैं जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट हॉल मार्केट लाहौर के और अंजुमन ताजरान के भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे सारे यकजहती कर रहे हैं। आपको कोई हल होता नजर आ रहा है अतीक मीर साहब इन मसाइल का? मुझे कुछ वाजे तौर पर आवाज सुनाई नहीं। अच्छा अतीक मीर साहब, मेरी आपसे दोबारा बात होगी, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मैं अपने दीगर, क्योंकि लाहौर पे हम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम कर रहे हैं तो बेहतर ये कि इस वक्त हम यहाँ की बात करें। बाबर महमूद साहब, आप बताइए, लोड शेडिंग इज द ओनली इशू इन द होल पंजाब और इन द होल कम्युनिटी अमंग द बिजनेस कम्युनिटी? देखेंगे सबसे मेजर मसला तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का लोड शेडिंग। मुश्किलात क्या होती है जब एक ताजिर, यानी एक दुकानदार ले लीजिए, एक कपड़े मार्केट का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हम ऑल रोड पे मौजूद है, कितने घंटे बिजली आती है और कितने घंटे बिजली नहीं आती? आप खास तौर पे तो मैं जो देख रहा हूँ लाहौर के साथ सतेली माओ जैसा सलूक किया जा रहा है, सतेली उलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तकरीबन यहाँ पे 8-9 हज़ार दुकानदार इस मार्केट में हैं और टोटल काम बिजली का है, बिजली के बगैर काम चल ही नहीं सकता, जिनमें तकरीबन 3-4 हज़ार लोग तो सिर्फ मकैनिक हैं और जिनका बिजली अच्छा कितने घंटे बिजली आती है और कितने बिजली एक घंटा आती है, एक घंटा चली जाती है। आप देखें इसमें तो ना यूपीएस काम करते हैं ना कोई दूसरा मामला, एक घंटे को किस तरह, इसमें कसूरवार हम खुद रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमसे उस दिन गलती हुई है जिस दिन हम लोगों ने इनकी शेड्यूल में जो इन्होंने लोड शेडिंग का एक टाइम पीरियड तय किया था, हम अगर पहले दिन उसका इनकार कर देते तो आज इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक तय किया था, ये चारों सूबों के वज़ीरे आला और वज़ीरे आज़म ने तय किया था कि शेड्यूल में आ जाएं। हाँ हमारी समझ लें, मेरी कह लें बेवकूफ़ी है या दूसरा जो भी जिसने जिस तरह भी फैसला किया है, 60 रुपये का डॉलर था 96 रुपये पर चला गया,
पेट्रोल की किसी भी चीज़ को कीमत की, जब हम शुरू में अगर इत्तेजाद के लिए खड़े हो जाते और कहते कि 4-4.5 हज़ार जो मेगावाट की शार्टेज है उसको कवर करें आप लोग, हम बजाय उनसे कवर करवाने के हम इनसे कहते रहे जी अब हमें 4 घंटे का पीरियड कर ले लोड शेडिंग का, 6 घंटे कर ले। आप यहाँ पे अपनी गलती मान रहे हो। इब्राहिम मुगल साहब आप जरा बताएं, थोड़ा सा तज्जिया भी करें, ये जो बात हो रही है कि जी वफाक ये लाहौर के साथ एक सुतेले माँ का सुलूक कर रहा है, सुतेली औलाद का सुलूक किया जा रहा है, फिर साथ में बात ये हो रही है कि वफाक ही जिम्मेदार है पंजाब के हुक्मरानों के साथ जो आपस की सियासी रंजिशें हैं उसका इन लोगों को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नादिया आपने ठीक कहा, हालात को बगौर देखना होगा। अगर वफाक कोई काम नहीं कर रहा तो सूबा भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। मिसाल उसकी ये है कि मियां शहबाज शरीफ को बजट से 3 दिन पहले कहा जाता है इन राइटिंग कि 9,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह तुम रख रहे हो, मरकज़ ने 8,000 रुपया रखी है। इस मुल्क का सदर पाकिस्तान ईवान सदर का एक दिन का खर्चा जो है वो तकरीबन 52,000 रुपये है। इस मुल्क के वजीर आजम का एक दिन का खर्चा 54,000 रुपये है। मजदूर के मुंह पे 270 रुपए का ये तमांचा मारते हो, ये किसके लिए ये बात कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो? आपकी बात सही है, मुझे बिजली के लिए शहबाज शरीफ के कान पे जूं नहीं रिंगी। रास्ता था, वजीर आजम ने भी किया, वजीर आला भी कर रहा है। नादिया अगर 4 साल पहले एक प्लान किया होता, पंजाब को आज भी 9 से 10 हज़ार मेगावाट बिजली चाहिए। अगर नहरों पर सिस्टम बना लिया जाए, अगर विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाए, अगर सोलर एनर्जी को छोड़ दें, मियां वाली से खुशहाल से कोयला निकाल लिया जाए तो आप 13,000 के करीब मेगावाट बिजली तैयार कर सकते हैं। कल को जब इलेक्शन में आप ये कहेंगे कि हम शुगर मिलों में बनाने लगे तो ये रास्ता आ गया, हम फला जगह तैयारी करने तो ये रास्ता आ गया, तो ये मेरा तो कोई कसूर नहीं कि मरकज आपका रास्ता रोका। मैं आपकी बात का जवाब लूंगी मोहम्मद अली मियां साहब से, लेकिन माइक अगर इनको कोई दे दे प्लीज। हाँ आप जरा एक सेकंड, मैं वापस आऊंगी आपके पास क्योंकि आपसे मेरी बात नहीं हो सकी है। बात ये है कि ये हमें बड़ा सोच समझ के तजिया करना चाहिए कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है। माइक इनको ऑन नहीं है जी, माइक ऑन करवा दीजिए, आप फरमाएं जब तक। हेलो, हाँ ये बात मैं जो ये करना चाह रहा था ना, प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, लाहौर को अगर वो 12 घंटे लाइट भी देते हैं तो वो हमारे कारोबार फिर भी नहीं चल रहे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जहाँ से हमारा ग्राहक आता है, कस्टमर से जहाँ आना है, वहाँ 22 घंटे लाइट नहीं ये दे रहे। अब ये जो मुगल साहब बात कर रहे हैं ये बड़ी लॉन्ग टर्म की बात है। नहीं तो लॉन्ग टर्म की बात है, मुगल साहब ये कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों से क्यों नहीं हो रहा। हमारे पास इस वक्त भी ये हल है, एनर्जी का जो तवानाई का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो हम मंसूबे तो बनाने चाहिए कौम की तरक्की के लिए, लेकिन फौरी जो हल है वो ये है कि जिनसे बिजली ये वापटा खरीदता है उनको पेमेंट तो दे, वो अपनी पूरी इस्तेताद से। मेरे भाई मगर मुझे ये बताएं, आप आज 4.5 साल की हुक्मरानी के बाद फौरी हल की हम बात कर रहे हैं, 4.5 साल बाद पहले हमने कबल ये प्लानिंग क्यों नहीं की? 4.5 साल से ये कौम तो पिस रही है, मर रही है, इनकी लोड शेडिंग इसी तरह जारी है, क्या 4.5 साल से हम मर रहे हैं। आपको वजीर आला कह रहे हैं कि मैं 6 महीने में मामला ठीक कर दूंगा, वजीर आला बीच में कहां से आ गया? काबर कहते हैं ये सेक्टर है वफाक का, ये जुर्म है वफाक का, आप वजीर आला को लेके आ गए बीच में। कौम को एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है, वो 6 महीने जब आगाज किया हुकूमत का तो तब 6 महीने। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नासिम बहस ये शुरू हो गई है क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं बिजली के बुरान पे, लोड शेडिंग पे, क्योंकि उससे आम आवाम भी पिस रही है और आम आवाम के साथ साथ डेफिनेटली ये ताजर भी पिस रहे हैं। यहाँ पर एक भाई ने ये भी कहा कि अगर हमें बिजली दे भी देते हैं तो जिस घरों से हमारे पास कस्टमर्स को क्लाइंट्स को आना होता है उनके पास 22 घंटे बिजली नहीं आती, वो किस तरह से दुकानों पर आएगा, वो किस तरह से खरीदारी करेगा, क्या उसका माइंडसेट होगा, वो इस स्टेट ऑफ माइंड में होगा कि बाजारों में आके शॉपिंग करें ताकि मईशत को कुछ तवानाई हासिल हो। मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो यहाँ पे जो मावन खसूसी वजीर आला पंजाब के बैठे हैं उनसे ये सवाल होगा मेरा कि पिछले 4.5 साल में पंजाब इसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं कर सका और आज ये जंग वफाक से क्यों शुरू हो गई है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। We'll be right back.
नासिर, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और जो बातें हमने ब्रेक से कबल सुनी इब्राहिम मुगल साहब से, और उनका ये भी शिकवा था कि ये जो बातें की जा रही हैं, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी तब्दील किया जा सकता था। और उसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है, तो ये ख्याल पंजाब के ही हुक्मरानों को 4.5 साल कबल भी आ सकता था। इसका जवाब मैं यकीनन मियाँ साहब से लूँगी, जो कि मावन खसूसी हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से कबल अशरफ भट्टी साहब की कोई बात नामुकम्मल रह गई थी, मैं चाहती हूँ वो भी अपने रिमार्क्स दे दें ताकि फिर हम मुकम्मल तौर पर जवाब लें। जी अशरफ भट्टी साहब, अभी भी आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें पंजाब का क्या कसूर है कि 2 साल हो गए कीचों की मलियाँ और नंदीपुर की मशीनरी कराची में पड़ी हुई है, गल रही है, ख़राब हो रही है, करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं कर रही। अगर वो इधर मशीनरी भेज देते और ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो जाते तो हमारी 800-900 मेगावाट बिजली तैयार होती और पंजाब खुद कफील हो जाता। देखिए ये सारी मरकजी हुकूमत की मैं समझता हूँ जाती है कि फोक का हमने बिजली तैयार करनी है तो उसका अभी तक टैरिफ नहीं मंजूर हो सका कि किस रेट पे लेनी है। यह जुल्म नहीं है, यह सौतेली मामला साहब ने तो और क्या है। आप शख्सियात कम अज़ कम इस बात पे मुत्तफिक हैं। अब जरा इब्राहिम मुगल साहब के जवाब आप दीजिएगा मियाँ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जवाब मेरा ये है कि ऊँचा बोलने से जो है किसी को आप कायदे नहीं कर सकते, और चीखे मारना सबको आता है। एक बात करने का तरीका सलीका होता है, उस तरीके से महफिल में बात होनी चाहिए। अदरवाइज इतने पढ़े लिखे मेरे दोस्त हैं इब्राहिम मुगल साहब, जब भी ये बात कर समझ दिया कि दूसरा कोई है वो चले जवाब दीजिए ना जो ये बातें कर, ये मुझसे ज़्यादा इनको इस चीज़ का पता है जो ये फरमा रहे हैं कि 4.5 साल क्या हुआ। सिर्फ मई 2011 में जब NFC वार्ड का वादा हुआ, उस वक्त सूबों को ऑथोराइज किया गया सिर्फ 1 साल पहले कि सूबे बिजली अभी बना सकते हैं। ये आप माने ये बात पहली बात है, उसके बावजूद उसके मैं बात करूँ उसके बाद हुआ 1 साल पहले हुआ सिर्फ जनरेशन करने के लिए। लेकिन उसके बाद 4 स्टेप और हैं जिसका बिजली पैदा करने के बाद उसका टैरिफ किसने मुतय्यन करना है, वफाकी गवर्नमेंट ने, वहाँ पहले रुकी हुई हमारी ट्रांसमिशन लाइन किसके पास कंट्रोल है, वफाकी गवर्नमेंट का। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आखिरी बात करूँगा। इब्राहिम मुगल साहब और सब आप भी जानती हैं कि कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने के लिए कम से कम जो ड्यूरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो 3.5 साल का है। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में 6,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के ऑनलाइन है, कोई फिजिबिलिटी स्टेज पे है और कोई प्रीपरेटरी स्टेज पे है। लेकिन तोंसा बराज का जो प्रोजेक्ट था, जो सबसे पहले प्रोजेक्ट था तकरीबन 900 मेगावाट का पंजाब गवर्नमेंट का, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने आके लेकिन मुझे कुछ लोगों से यहाँ पर यह भी जानना है की जब ये मुस्तकिल माइक दे दीजिएगा, जब मुस्तकिल तौर पर यह बात हो रही है की पंजाब के साथ सुतेली औलाद वाला सुलूक हो रहा है, पंजाब के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, तो क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी की जिसकी बात कर रहे हैं कि जो वफाक में बैठे हुए करें, क्या पूरे पंजाब में पीपी का वोटर है ही नहीं? क्या पीपी का कोई वोट बैंक नहीं है या घुन के साथ गेहूं भी पिस रहा है? जी नादिया, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये हुक्मरान मिले। 4.5 साल में हमारे हुक्मरानों ने कोई प्लानिंग नहीं की। इनकी प्लानिंग क्या है? इनकी प्लानिंग क्या है? नहीं, आप देखें कि इनकी प्लानिंग क्या है कि इतना जाहिल हुक्मरान है हमारे कि 1 घंटा आगे कर लें, 1 घंटा पीछे कर लें, 8 बजे लाइट बंद कर लें। 4.5 साल से इन्होंने पारी पाकिस्तानी कौम को जो है ना जी वो ज़हनी मरीज बना दिया है। घरों में जाते हैं स्कूल नहीं है, मार्केटों में आते हैं स्कूल नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तानी कौम जो है ना जी, अब ये ताजरों ने बड़ी कुर्बानी दे दी है, अब ये ताजर मजीद कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब इन हुक्मरानों को हम गिरेबानों से पकड़ेंगे, अब इनका घेराव करेंगे। अब हमारे पास कोई हल नहीं है, हमें इन्होंने बेसकून कर दिया है। छोटा दुकानदार जो है, जो UPS भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फाको में मजबूर है, वो खुदकुशियां कर रहा है। और ये हुक्मरान अपनी यशों में लगे हुए, इन्होंने बिल्कुल भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। और इन हुक्मरानों का वक्त जो आगे जरा इधर भी माइक दीजिएगा किसी और को भी, मुझे ये बताएं, मुझे मैं पूछना ये चाह रही हूँ, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं है, यहाँ बिल्कुल है। कौम का खजाना लूट के 70 अरब रुपए का हर साल ये टीका कौम को लगाते हैं और अपने कारकुनों पे बांटते हैं, वो कैसे अपनी हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे? मतलब
को लोड शेडिंग से तो फिर उनको भी नुकसान हो रहा है ना, उनके कारोबार भी तो ठप हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिसकी मुंह में हराम जाता है 70 अरब रुपया जिन लोगों के पास जाता है वो क्यों बोलेंगे? आप ये बात तो समझने की कोशिश कीजिए ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम मनसूबा बंदी की है और ये जनरेशन इस वक्त जो कर सकते हैं, जो जनरेट कर सकते हैं वो नहीं हो रही। ये कौम के जो है पैसा नहीं उनको देते, ये अपनी अयाशियों पे लगा रहे हैं जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। वो पैसा अगर पावर कंपनियों को दिया जाए तो ये लोड शेडिंग की ये हालत ना हो, और फिर इसके बाद इनके पास अगर मंसूबे नहीं है तो ये कौम को क्यों नहीं बतलाते? इस बजट में इन्होंने देखिए कि इस बजट में एक मंसूबा नहीं इन्होंने दिया। भाई साहब जो बात कर रहे हैं हकायक सुन ले, कौम के पास जा रहे हैं। अय्याशी मरकजी हुकूमत अकेली नहीं कर रही, 783 अरब रुपए का इस साल बजट है पंजाब का, 250 सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। इस साल तो अनाउंस किया है ना कि हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। सुन ले 250 डेवलपमेंट के लिए 533 अरब रुपए अय्याशी के लिए रख दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसे नॉन डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है। नादिया सुन लो, आज मसला बिजली का, शाम को आज शाम का मसला देखे मियां साहब की बात में मैं बोला नहीं था, ये बद अखलाकी है दरमियान में बोलने में। अगर ये मुझे चीख कह सकते हैं हौसला भी रखे बात सुनने का, आप टॉपिक से हट रहे हैं। फिक्र सुबह गलत हो तो देख ले, यहाँ की बात, यहाँ की बात हो रही है, सच्चा बिजली की बात हो रही है। आप कल क्या कर सकते हैं? तजवीज है ये जो 533 अरब रुपए आपने याशी के लिए रखे हैं मियां साहब, नहीं लेकिन आप कौन से याशी के लिए, किस तरह की बात कर रहे हैं? ये पहले के बंदे हैं, इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि घर में जाके क्या होता है। 50 अरब रुपए काटे याशी से आपके पाकिस्तान में चोरों ने 300 अरब रुपया बिजली के बिल देने हैं, उसमें से 225 अरब रुपया पंजाब में है, उनके घरों के बाहर बोर्ड लगा दें सुरख रंग के, ये चोर है, बिजली के पैसे नहीं दिए, लेकिन वो दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, उनसे पैसे कैसे ले? वहाँ सुबह पंजाब है जिसके खाते में सबसे कम तकरीबन 5-6 अरब से ज्यादा नहीं है कि बैलेंस जो है, ये कहाँ उसका पैकेज दे रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुगल साहब जज्बाती हो रहे हैं। मुगल साहब आप इसका रिकॉर्ड निकलवाएं, सबसे कम जो चार्जेस बकाया जाता है वो पंजाब को मन की तरह है, वो तकरीबन 5-6-7 अरब से ज्यादा नहीं है। पंजाब मेरी बात सुने, कह रहा है आप सूबे की बात कर रहा हूं, दूसरी बात सुने ये की यहां बात नहीं हो रही। दो ढाई साल तो परवेज अशरफ साहब 31 दिसंबर के वादे और बत्ती के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, 4.5 साल इन्हें कम मिला पंजाब को मुको। आप अगर मीडिया पे, मेरी बात सुने, आप लोग कर रहे हैं ये एहतजाज 2 साल पहले क्यों नहीं किया? फिर आप लोगों को मुस्लिम लीग ने उनको ये ताने जब भी तो मिलते हैं कि फिर नहीं मेरे पास पड़े हैं। बात सुनो, कराची में प्लांट 8-9-10 साल बाद 3 साल पहले कराची के प्लांट जो पड़े गल रहे हैं, 3 साल पहले उनकी याद क्यों नहीं आई? 3 साल पहले मुजारे क्यों नहीं हुए? जिम्मेदार इलेक्शन करीब आ गए हैं, 10 साल यहाँ पे एक डिक्टेटर बैठा रहा, उसी जमहूरियत को एक जमहूरी निजाम चलाने के लिए अगर मौका दिया गया तो ये कोई गलत काम नहीं किया। और ये करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन की, ये वाहद हुकूमत पंजाब हुकूमत है जिस पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। अगर है तो साबित करें, कई दफा चैलेंज आदमी है, ये सही बात है, लेकिन शहबाज शरीफ के 75% वजीर या खुदा न खास्ता बेईमान है या खुद नहीं, ये कोई बात नहीं सर, छोटे से ये देखे, अच्छा ठीक है, 45% नालिया बाद ने एक सूबे का खट्टे सोके है। अच्छा एक बात पे शिकायत हुआ, ठीक है एक बात है, मैं एक ब्रेक लूंगी, मैं मियां शहबाज शरीफ के हक में कह गया अगर वो मामला नहीं लिया जाए, मैं ये कह रही कम से कम एक बात पे आपके इत्तेफाक हुआ कि मियां शहबाज शरीफ एक दयानतदार शख्स हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं, लेकिन मैं यही कह रही हूं, लेकिन उनके साथ जो है क्योंकि अक्सर वो नहीं अली बाबा 40 चोर की जो बात और बार बार एग्जाम्पल देते हैं तो कहीं उन्हीं के ऊपर तो नहीं है, लेकिन चोर 80 है, ठीक है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, मैं मुख्तसर सा बात करूंगी और मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगी तो यहाँ पर जो मेरे साथ शख्सियात है उनसे भी मुझे बात करनी है, क्योंकि बहरहाल इस बात पर ये जो पैनल है ये मुत्तफिक है कि मियां शहबाज शरीफ एक दयानतदार शख्स है, लेकिन उनके साथ जो टीम है वो शायद उस क्रेडिबिलिटी उसकी अंडर क्वेश्चन मार्क है, क्या वाकई ऐसा है? यहाँ पे मौजूदा शख्सियात क्या कहती है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
जी नासिर, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हम आज मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर की जो ताजिर बरादरी है उसके मसले मसाइल क्या हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। जिससे भी पूछते हैं कि लाहौर के ताजिर बरादरी का मसला क्या है, वो सिर्फ एक ही बात करता है कि बिजली की लोड शेडिंग। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अभी भी लोड शेडिंग का दौरानिया है। ऑल्दो के इस वक्त हम ओपन एयर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ आंधी की से हालात हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, हवाएं भी ऐसी चल रही हैं, काफ़ी धूल मट्टी है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं ताजिर बरादरी के मसाइल पर हम बात करने के लिए, बिजली की लोड शेडिंग पर बात करने के लिए। कुछ हमें यहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं उसमें कुछ मजीद ताजिर बरादरी ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, मैं उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा यहाँ के मसाइल। जी, मैं सबसे पहले तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये लोड शेडिंग के लिए प्रोग्राम रखा है, ना कि आपने किसी के जात पे कीचड़ उछालने के लिए रखा है। नहीं, किसी की जात पे बात नहीं, नहीं, नहीं मेरी बात। कुछ दोस्तों ने यहाँ पे ना, दोस्तों ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है। देखिए, पंजाब माजरत के साथ, माजरत के साथ जब हुकूमत की बात की जाती है तो वो किसी की जातियात नहीं होती, नहीं होती। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। दूसरी बात ये है, आज तक पिछले 3 साल तक ये गवर्नमेंट कहती रही है की ये जो जितनी भी लोड शेडिंग है ये मुशर्रफ की दी हुई है। अब ये कहते हैं कि ये हम मसला हल कर रहे हैं। पिछले 3 साल ये मुशर्रफ पे डालते रहे, 4 साल गुजर गए वफाकी गवर्नमेंट को, ये कुछ नहीं मसला हल कर रहे हैं। ये कहते हैं जी 8 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं। आप बताएं हल क्या है। हल क्या है, ये इस बात पे जोर दें कि सुबह को जल्दी दुकानें खोलें, सुबह 8 बजे दुकानें खोलें और रात को मगरब टाइम तो ये तो आपके वजीर आला साहब भी एक्शन ले सकते हैं जब वो ये कहते हैं कि मैं उनकी पाकिस्तान में चलेगा। नहीं, एक बात सुने, वजीर आला साहब कहते हैं मैं वफाकी डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं उनकी रिकमेंडेशंस को नहीं मानूंगा कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करूं 8 बजे। हाँ जी, तो सुबह जल्दी दुकानें भी खुलवा दें। बात ये है कि इस्लामाबाद में भी 12 बजे तक खुले रहते हैं लोग, अब शादियां तक इस्लामाबाद में जेलम वाले कर रहे हैं कि वहां पर 10 बजे हाल नहीं बंद होते, 12-1 बजे तक शादियां चलती है। बात ये है, इसलिए जेलम तक के लोग जाके इस्लामाबाद में वलीमे करते हैं। पंजाब में तो इसी हुकूमत के तहत दुकानें भी 12 बजे तक दुकानें खुलती है। ये इनको वफाक को ये नहीं नजर आती, वजीर आजम को ये नहीं नजर आती। पंजाब के कहते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करें और हफ्ते में 2 छुट्टियां करें, ये क्यों है? पंजाब को क्यों अच्छा, चिपक रहा है? मियां साहब से मैं इसका जवाब देती हूँ। मियां महमूद साहब जो यहाँ पर मोहम्मद अली मियां साहब बैठे, मोहम्मद अली मियां साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये पंजाब के तहत, पंजाब हुकूमत के तहत ये नहीं आता जो इनकी बात है कि जी दुकानें जल्दी खुल जाए तो जल्दी बंद हो जाए, ये भी नहीं कर सकते आप? इसके लिए भी आपको वफाक की इजाजत चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो भाई मेरे कह रहे हैं उसमें बात ये है, जब 3 माह पहले एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये एक कंपोजिट एग्रीमेंट हुआ था, पूरा एग्रीमेंट जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए था, वो तो मई माना गया नहीं, ना, ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि पंजाब ने आज से 2 साल पहले भी जब यहाँ पे दादी साहब आए, यहाँ पे ये हुआ था जो 2 साल पहले भी कि जी पूरे पाकिस्तान में जो है दुकान 8 बजे बंद करेंगी, वहाँ पंजाब सूबा ऐसा था जिस तरह शहबाज साहब की काल के ऊपर 8 बजे दुकानें बंद की है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी सूबों में इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसमें एक ये स्टेप था। मैं बयान ये करना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ कि आज भी जो कैपेसिटी है बिजली पैदा करने में 19,000 मेगावाट है। गवर्नमेंट के फैक्ट ऑफ फिगर क्या कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी जो वज़ारा कहते रहते हैं जी हमने तकरीबन 3300 मेगावाट बिजली इन 30 सालों में बना दी, ज़्यादा की दी। बड़ी अजीब बात है, जब 4 साल ये आई थी बाकी गवर्नमेंट आई थी तो जो फ़र्क था वो तकरीबन 2000 मेगावाट का था। ये कैसी गवर्नमेंट है कि आज भी जो तलब है, जो तलब है, वो तलब है तकरीबन 10-11 हज़ार मेगावाट ही है, जो जो पैदावार है, जो जो तलब है वो 16,000 मेगावाट है। एक्स्ट्रा 16,000 एक्स्ट्रा मेगावाट कहाँ गए? असल में इन्होंने 4 साल में 1 भी मेगावाट जो है वो पैदा नहीं किया, ये हकीकत है। अच्छा, दूसरी बात ये, अच्छा प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है? अब तो ये हो गया, अब हम मसला ये है कि अब हम लकीर को पीटे जा रहे हैं साफ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या इसका हल, हल इसका ये है, हल इसका ये है, अभी भी हल इसका ये है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म में यही कंजर्वेशन करें और जो बिजली बनती है पूरे पाकिस्तान में एक जैसी दें। ये नहीं है काजी साहब तशरीफ ला रही है तो वहाँ पे आप खुद बताए, वहाँ पे 2-3 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है, ये आप खुद बता सकती हैं। नहीं, कराची में भी बड़े एहतजाज जी तो वो सिर्फ उसी इलाके में होते हैं जहाँ चोरी ज्यादा है उसको बंद करते हैं, फिर वहाँ एहतजाज होता है, अदरवाइज वहाँ की इंडस्ट्री आज भी। लेकिन आप 2 घंटे से ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि वो प्राइवेटाइज है, केएससी को प्राइवेट कर दिया गया। तो यही हम कह रहे हैं कि केएससी प्राइवेटाइज है, उसको सस्ते दामों पे गैस दी जाती है, प्राइवेटाइज है, उसको आज भी पंजाब के हिस्से की 720 मेगावाट बिजली दी जा रही है, प्राइवेटाइज है। ये प्रायोरिटीज हैं,
प्रायोरिटी ये नहीं है कि आप जो है अच्छा, रेंटल पावर प्लांट पे के एसी को अगर वफाकी हुकूमत साल का 64 अरब रुपया देती है कि ये जिंदा भी रहे कराची को, लाहौर के लिए 50 अरब क्यों नहीं रख सकती, नंबर वन। नंबर टू, 183 अरब इस साल रखे है इन्होंने सब्सिडी देंगे बिजली को, 49% बिजली चोरी है बलोचिस्तान में, 43% बिजली चोरी है खैबर पख्तूनख्वा में, 37% बिजली चोरी है सिंध में, 12% बिजली चोरी है पंजाब में। 183 अरब रुपए से मियां शहबाज शरीफ मेरठ पर 100 अरब रुपया क्यों नहीं मांगता, मांगे एनएफसी वार्ड के साथ। तीसरी बात मैं फिर कहूंगा, जर्मनी 12,000 मेगावाट बिजली बना सकता है, आप इस पर मोटरवे पे चले जाए, अल्लाह पाक ने ऐसी पॉकेट्स दी हुई है, बदीन ठट्टा में काम शुरू हो गया है, आप बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन आदिया आखिरी बात सुन ले, मियां वजीर मियां शहबाज शरीफ साहब सुन ले, आप बिजली ठीक भी कर दे, दूसरी जो मौत सामने है 9,000 में गुजारा नहीं हो सकता, बाबुओं के वजीरों के खर्चे कम करके मजदूर की तनख्वाह कम से कम 15,000 करे, वरना मुस्तकबल में आप सियासी तौर पर कदम उठाएंगे आप बर्दाश्त नहीं कर सकें। जी मैं इसमें ये कहूँगा कि अभी जो है मुगल साहब बड़ा बार बार इजहार भी कर रहे हैं और इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं वो टेंट में बैठे हुए हैं, और टेंट में बैठकर ना सिर्फ खुद बैठे हैं बल्कि जिन बाबुओं की बात कर रहे हैं उन सब की भी ड्यूटियाँ लगाई हैं कि वो अपने अपने महकमे के बाद, और उसके साथ साथ हर बंदा जो MP और MNA है वो अपने अपने एरिए में जो है वो टेंट लगा कर बैठा है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी एतराफ़ किया है, और जो बड़ी अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है वो बड़ी सादगी के साथ और बड़े मुखलसाना अंदाज में, अगर वो मुखलस हैं और इस अच्छा मुझे साथ में ये बताएं क्योंकि मेरे पास लास्ट मिनट है कि सादगी और ये मुखलसाना अंदाज दिन में कितने घंटे रहता है? नहीं जी बिल्कुल पूछ रही हूँ ना, सवाल है वो 24 आवर्स रहता है, उसकी वजह यह है कि जो बंदा अपनी इतनी ज़्यादा, आपको पता है कि उनको एक बीमारी भी लाहक है, अल्लाह उनको सेहत दे, उसके बावजूद जो शख्स इस कौम के साथ और स्पेशली पंजाब के साथ, और मैं आप मुगल साहब सुना भी करें, दोबारा जाएंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इसमें जी, मैं मुगल साहब मेरी बात सुन ले, मिस नादिया मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो है वो 24 आवर काम करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं कि अगर अगर पंजाब जैसा चीफ मिनिस्टर बाकी सूबों को मिल जाए तो बाहर ट्रिप पे जाएगा भी तो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके जाएगा। ठीक है, एक बात पे तय हो चुकी है, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, एक बात पे सब मुत्तफिक है कि वजीर आला पंजाब दयानतदार शख्स हैं, 20-20, 22-22 घंटे काम करते हैं, लेकिन जो उनके साथ है वो शायद उस हमें वहाँ पे सीएम साहब उस वक्त नहीं मिले, हमारी कोशिश कल भी होगी, कल भी उनके टाइमिंग सही है, लेट्स सी कि अगर हमें वो वहाँ पर मिलते हैं, हमारी उनसे मुलाकात होती है, हम उनसे जाने और वहाँ पे बैठने का मकसद भी जाने और उनका एहतजाज भी जाने कि आखिर उनका एहतजाज किस बात पर है और कब तक चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिया मिर्ज़ा को इजाजत।